अब जाऊंगा शौक से, पहले देती बेशौक से, पहले बेशौक के यहाँ तो पहले मन तोड़ के देते, अब दिल लगा के दे रहे हैं। काम खूब किया, हम कहते हैं वो करती है ना। रीटा जी, रीटा जी, मैं तो सदा कांग्रेसिया, सब सदन से मारो बाप भी कांग्रेसिया, और माने बेरो का कोई टाइम कांग्रेस आ रहा था, और पार्टी नहीं छोड़ी मैं बिल्कुल भी, बिल्कुल। अब छोटा क्यों कौन दे वोट, अब कौन सही क्यों कौन दे, फिर भी काम करावे को नहीं, ध्यान करे को नहीं, सुनाई करे को नहीं। फिलहाल मैं झुंझुनू के बिशाऊ में अपने वार्ड नंबर 25 में कुछ जो लोग मेरे साथ हैं ये वार्डवासी, आऊँ भी जान सें कि कौन सा क्या का मुख्य मुद्दा ही बन लेके ये चुनाव, अभी चुनाव का मैंने मतदान करने जा रहे हैं। सो पहली भाई युवा में मैं शुरुआत कर रहा हूँ, हालांकि हर बार देखा कि बूढ़ा बुजुर्गों वहाँ पर शुरुआत करा हाँ, लेकिन भाई साहब कौन सा के मुख्य मुद्दा ही बक मैन फिलहाल ये अभी चुनाव हो रहे हैं। चुनाव तो जैसे कि सर हमारे विधायक जी रीटा चौधरी जी, उन्होंने खूब यहाँ पर काम किया है, और जो जो हम मांगे की है उन्होंने पूरी की है, इसलिए हम यहाँ पूरे वार्ड वाइज है तो हम रीटा जी को सपोर्ट करते हैं। और कौन सा के काम करवाए गए हैं, जो मांग की बात कर रहे हो तो कौन सी मांग है? काम तो है कि विधायक जी है ना, विधायक जी को यहाँ पर हमें कॉलेजें मांगी तो उन्होंने कॉलेज भी दी है, और यहाँ पर खेल स्टेडियम है तो खेल स्टेडियम भी दिया है, और जैसे हम उन्होंने रोड की कही है तो उन्होंने रोड भी वहाँ में बना के दी है। और के उम्मीद है तो कि अगर वोट दे रहे हो तो ये तो चलो विकास का काम होगा, लेकिन आगे भी कोई उम्मीद रखी गई है कि ये विकास का काम बहुत करवाया जाएगा? जैसे हम उनको कहते हैं ना, वो हमारा जो काम है वो हमारा काम कर देती है, इसलिए जो भी हमें चाहिए ना उनको कह देते हैं, हमारा काम हो जाता है। बाबू जी थे भी बताओ, यही बात है, ये सेम ही बात नहीं, सेम बात तो कह रहे थे, तो देखो तो एक्सपीरियंस ले रखे हुए है। मेरी बात सुनो ऐसे साहब कि मैडम जी आती है, हम जैसे 25 वार्ड वाले बोलते हैं मैडम जी हमारा ही काम बाकी है, अच्छा भी हो जाएगा, हो रहा है। बहुत सा वार्ड में तुझे नाराजगी भी दिखाई जा रही है ना, कि हम तो एकदम खुश हैं, नाराजगी नहीं है, हम तो एकदम खुश हैं, और मैडम जी कोई वोट देंगे चाहे कुछ भी जाए, पहले की नजर आज पहले मैडम जी ने दे रहा, आज भी मैडम जी ने अब जाऊंगा शौक से, पहले देती बेशौक से, पहले बेशौक के यहाँ तो पहले मन तोड़ के देते, अब दिल लगा के दे रहे हैं, काम खूब किया, हम कहते हैं वो करती है, हम दिल लगा के काम करेंगे, हम भी दिल लगा के वोट देंगे। थोड़ा सो बताओ तो फिर भी कि जो अभी नरेंद्र जी भी चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकन भी गया होगा काम लेके, तो भाई कभी मना थोड़ी करो, नरेंद्र जी की शिकल कैसी है तो फिर क्या फायदा नरेंद्र जी की बात करने से, कभी देखा ही नहीं, फायदा क्या उसकी बात करने से। तो विधायक भी रहे हैं तो विधायक के टाइम पर भी कौन देखा, कभी देखा ही नहीं, आप तो विधायक की बात करें, हम अभी तक शिकल नहीं देखा, किसा गए, फोटो जरूर देखिए, सुना भी होगा ना, सुना भी कौन के क्या सुनना है, सुना कोई आदमी हो तो सुना, क्या सुनेंगे, तो आदमी तो ही है, आदमी होते तो आते। युवा ही जो कई देर हूँ अपन ने कुछ उत्साहित ही बहुत ज्यादा बताने के लिए कि कौन सी के या कौन सा के मुद्दा ही जन लेके थे तो उत्साहित, तो बता रहे हो बताओ, अब बोलो खुल के बोलना चाहो, मुद्दा ही नहीं, मुद्दा ही युवा के लिए बहुत कुछ के है। मुद्दा ही कौन सा के मुद्दा ही तो बताओ तो, कि ये मुद्दा ही यहाँ पर जो इस बार चुनाव जो लड़े जा रहे हो, चुनाव तो काम बहुत रही है, अभी तो मुद्दा क्या है, काम बहुत सब काम, तो भाई जी जड़े तो कैमरा ठिन रहे ना, जड़े बात आऊँ अपन ने, आप बताओ दे बोलो भाई शर्मा को लेकिन कोई नहीं, बताओ कौन सा के मुख्य युवा के लिए कांग्रेस सरकार है जो कौन सा के मुख्य काम करे हैं, युवा के लिए भर्ती खोली कांग्रेस सरकार ने, युवा के लिए भाई एक चीज भी बीजेपी आरोप लगावा कि पेपर आउट कर दिया, पेपर लीक तो बहुत होते हैं, बीजेपी सरकार में नहीं हो पेपर लीक कोई, तो अभी यहाँ चुनाव कोई प्रभाव कौन पड़ेगी, पेपर आउट होया होगा, कोई प्रभाव नहीं, कांग्रेस रिपीट होगी दोबारा रिपीट हो रही है, मतलब गहलोत जी के साथ होगी, गहलोत के साथ फुल रिपीट होगी दोबारा, तो क्या मांगे युवा की, क्या उम्मीद करें कि आगे कौन सा के काम बाकी मुख्य रूप में करवाया जाए, कि ये बाकी मुख्य डिमांड रहेंगे आगे आने वाली सरकार, युवा के लिए रोजगार खोला जाए और युवा के लिए सब कुछ काम किया जाए। और सर बताओ तो कि रीटा जी ने फुल सपोर्ट है, और रीटा जी नहीं वोट देंगे, बता के लाएंगे दिल से वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करेंगे, अशोक गहलोत ने मजबूत करेंगे, और सदा से वोट दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने आगे भी देंगे, और बुढ़ा होगा जब तक भी देंगे।
और टापरा का नंबर सब देगा, टापर भी देगा, मैं भी देगा। बिल्कुल ताऊ जी, ते भी बताओ तो कि पेंशन वेंशन मिल रही है? हां पेंशन मिल रही है। अब 4 महीना से बंद हो रही है। 4 महीनों बंद होगी तो पहली तो मिल रही है? ना ना मिल रही है ना, आज से हो चालू है जो बाकी है आज आएगी के। ओहो, तो मैं जो एक जो सर्टिफिकेट लगाए हैं, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह मांगे वे लगा दिया गए, लगा रखे हैं। तो क्या उम्मीद है कि ये बार जो कौन जीत रहे हो चुनाव में भी? ना रीटा जी जीत, रीटा जी मैं तो सदा कांग्रेस किया, सब सदा से ही, मारो बाप भी कांग्रेस किया और माने बेरो का कोई टाइम कांग्रेस आ रहा चारो पार्टी नहीं छोड़ी मैं बिल्कुल भी। बिल्कुल अब छोटे से क्यों कौन दे वोट, अब कौन सही क्यों कौन दे, फिर भी काम करावे को नहीं, ध्यान करे को नहीं, सुनाई करे को नहीं। अब तो आज से रीटा जी पूरी बहुमत से एकदम फुल बहुमत हो, इंशाल्लाह हो। बिल्कुल बहुत काम करा साहब, बिसाऊ में बहुत काम करा है, काम करा है पूरा ही। कत्ती के लीड दिवा रहे हो? 10,000 बट्टा से जीतती है कम से कम, 10,000 आराम से मंडा बढ़िया काम करिए बिसाऊ के लिए। मतलब मेरे मोहल्ले की बात है, ये रोड़ा देखो कितनी अच्छी लग रही है, मतलब आए दिन यहाँ पंगो या कर दो मोहल्ले के मायने नाली गली, मतलब पानी भेड़ो हो रही है, नालियों का विकास को नहीं हो रहा। ये 4 साल में इतनी बढ़िया सड़क नाली बनी है, लाइट आई व्यवस्था आई है। तो बिल्कुल मैं वार्ड वासी हूँ, बात करी जानकारी ली, वीडियो के बारे में जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, जय जुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।